पटोरी अनुमंडलीय अस्पताल के अधीनस्थ सब सेंटर पर तैनात संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल जारी। आंदोलनकारी स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण कार्य का किया बहिष्कार। जी हाँ, आपने सही सुना। अब जरा आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एक नज़र डालें। ये दृश्य है समस्तीपुर जिले के पटोरी अनुमंडलीय अस्पताल के कोल्ड चेन कक्ष का, और उक्त कक्ष के गेट पर जो बैठे हैं वे हैं एनएचएम के तहत संविदा पर बहाल सीएचओ, व उसके ठीक पीछे खड़ी हैं एएनएम, जो बीते कई दिनों से अपने विभिन्न मांगों को ले हड़ताल पर हैं। और आज उक्त सभी आंदोलनकर्मी टीकाकरण कार्य बहिष्कार करने उक्त कोल्ड चेन कक्ष तक पहुँचे हैं। आखिर उनका सरकार से क्या मांगे हैं, आइए जानते हैं आंदोलन की कहानी, आंदोलनकारियों की जुबानी। आज टीकाकरण का दिन है और आप ये टीकाकरण का कक्ष जो है यहाँ से आप जाम किए हुए हैं, क्या बात है? हम लोग का मुख्य मांग है समान क्रम का समान वेतन दे, एफआरएस के संबंध में विरोध है, 3 टाइम हाजिरी लगाना है 9 से 5 बजे तक, जो कि बुनियादी सुविधा केंद्र उपलब्ध भी नहीं है। अब सुविधा जो भी है सो देखने लायक है, जाकर के आप भी देख सकते हैं, न शौचालय की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है, इस विषय में हम कैसे बैठ सकते हैं? आप कौन है? आप कौन है? हम सीएचओ हुए, विनोद कुमार मेरा नाम हुआ। और आप पीछे जो आप हमारे साथ एएनएम है, स्टाफ नर्स है, साथ में सब एनएचएम कर्मी है यहाँ पे मौजूद है। आप संविदा कर्मी है? जी, संविदा कर्मी है। और लगभग 1 महीना पूर्व अभी तक हमारी बात को सरकार नहीं मान रही है, इससे भी आक्रोशपूर्ण हम लोग हड़ताल रैली जहाँ तक होगी वहाँ तक हम जा सकते हैं। विशेष क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ। यानी कि आप लोग कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं? कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, हड़ताल भी कर रहे हैं, और पुरस्कार जाने के लिए सरकार मुझे व्यवस्था कर रही है।